सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं एन के राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। भाई मेरे, आज का स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि पीएमएस ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। ओबीसी के लिए, ओबीसी बोले तो इसमें दो कैटेगरी आता है, ईबीसी एंड बीसी, यानी कि पिछड़ा वर्ग एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इससे पहले भाई मेरे इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट था SC ST वाले के लिए, बहुत दिन तक चला, इंतज़ार भी बहुत बेसब्री से बहुत सारे बच्चा किया कि कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। सो फाइनली अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। PMS बोले तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सो आज के इस वीडियो हम डिटेल्स में जानेंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकता है, कैसे करेगा ऑनलाइन प्रोसेस, कितना पेमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, A to Z प्रोसेस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। A to Z जो प्रोसेस है कैसे कैसे होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास नहीं है सो आप कैसे लेंगे, जो अभी आप रिसेंटली कोई कोर्स कर रहे होंगे, है ना, कोई कोर्स कर रहे होंगे तो कौन सा कॉलेज से कर रहे होंगे और कॉलेज से रिलेटेड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको कॉलेज से कौन सा डॉक्यूमेंट लेना होगा, देन उसके बाद आपको ऑनलाइन कीजिएगा तभी आपका पेमेंट आएगा। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर है ना पेमेंट तक, यानी कि आपके पास पेमेंट जो आ जाएगा आपके खाता में, पेमेंट आपका क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप जो आने तक, सारा का सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे, A to Z प्रोसेस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा भाई मेरे, जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, थोड़ा भी गलती करेंगे तो आपका पेमेंट फंस जाएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कट के आएगा, क्यों आएगा सो डिटेल्स में जानेंगे, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नई नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, है ना। सो पर्सनली ये स्पेशल तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, बिहार इंजीनियरिंग के लिए। ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही है ना। सो आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट, थोड़ा एक मिनट, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं या एडमिशन लेने वाले हैं, सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाला है, सभी स्टूडेंट के लिए। सो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहे, है ना। तो स्पेशल फॉर बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट, है ना, और भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं सो आप सभी को भी हेल्पफुल होने वाला है। सो पर्सनली डिजाइन किए इस वीडियो को ओनली फॉर बीटेक जो कोर्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बीटेक कोर्स कर रहे हैं कहाँ से, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से, है ना। तो आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो जो स्टूडेंट या स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए है, मैक्सिमम स्टूडेंट 2022 में जो एडमिशन लिए हैं, जो बच्चा अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, स्पेशल तो उन स्टूडेंट के लिए, या जो स्टूडेंट 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं, जो अभी इसका स्टेशन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट है, काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, तो भाई मेरे आपके लिए भी यह बहुत स्पेशल होने वाला है। और यह स्कॉलरशिप बहुत सारे बच्चा इसको इग्नोर करता है, भाई मेरे इसको इग्नोर मत कीजिएगा, रियल में पेमेंट आता है। जितना एडमिशन आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं ना, जितना सारा आपका एडमिशन पेमेंट वगैरह जो भी खर्च लगता है, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पैसा फंडिंग है ना वापस हो जाता है। ओवरऑल जो आप 40,000 जो हम बोले हैं, आपका 4 साल का जो ये कोर्स होता है बिहार इंजीनियरिंग में, है ना, पूरा का पूरा पेमेंट आपका स्कॉलरशिप के माध्यम से आ जाएगा। एक बार आप करते हैं तो 15,000 तक पेमेंट आता है, इससे भी कम आता है, डिपेंड करता है कि बच्चा ये जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है किस टाइप्स का अपलोड करते हैं, यदि किसी प्रकार कोई गलती करेंगे तो आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, चेकिंग जो वेरीफाई होगा उस टाइम आपका पेमेंट कट सकता है। तो कहां पर क्या गलतियां नहीं करना है उसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। तो यह स्पेशल वीडियो 22 में जो बच्चा एडमिशन ले है, या 2023 में, या जो बच्चा है ना जो अच्छा कोर्स, कोई भी कॉलेज से कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, या कोई बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, सभी का सभी पोस्ट मैट्रिक बोले तो 10th पर, है ना, मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोले तो 10th के बाद, है ना, हायर एजुकेशन के लिए जो भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, है
है ना, वो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, चाहे एनी फील्ड है ना, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या आपका कोई भी, या बीएससी कर रहे होंगे सिंपल सा, कोई ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो सभी बच्चा अप्लाई कर सकते हैं, सभी का पेमेंट आता है। ओके, तो स्पेशली और अपने स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, स्पेशली चैनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग भी एकदम बारीकी से करना है, कैसे करना है, कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे बनेगा, डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की क्या क्या लगेगा, है ना। और जो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोसेस है, पहले हम डॉक्यूमेंट का जिक्र कर लेते हैं, देन उसके बाद जिक्र करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कैसे रजिस्टर करेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, कब तक करेगा, डिटेल्स में जानेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के पास है ना 10th का मार्कशीट होगा, ये लिस्ट देख लीजिएगा, ये लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिएगा, है ना। अरेंज करने के बाद अप्लाई हर हाल में करना है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसको पेमेंट नहीं आता है। मेरे जो बैचमेट वगैरह थे, हम भी अप्लाई किए, वो कितना है नया डिटेल से बताएंगे, बहुत सारे बच्चे इग्नोर किया, अरे फालतू का आता है नहीं आता, आएगा तो कब आएगा, लेकिन इसको सीरियसली लीजिए, पेमेंट आता है आता है आता है, है ना, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। 10th मार्कशीट होना चाहिए, 2 में लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वीडियो का लेंथ है ना लॉन्ग होगा, सो घबराइएगा नहीं, लेकिन लास्ट तक पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, है ना। और 10th लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट में भी आप कोई भी, ये तो होगा सबके पास, में भी आप कोई कोर्स कर रहे होंगे, स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए बोल रहे हैं, आप बीटेक करने आए हैं, है ना, बीटेक कोर्स करने का, 12th करके आए हैं ना, 12th पास करके आए हैं, तो 12th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना है, या बीटेक में एक दो सेमेस्टर आप दे दिए होंगे, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया है ना, आप सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड में, तो जस्ट उसके जो सर्टिफिकेट होगा पासिंग का, है ना, वो वाला अपलोड करना है। तो आप सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड में है तो आपको सेकेंड वाला अपलोड करना, सेकेंड में है तो आप फर्स्ट वाला अपलोड करना है, यदि इसका भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, समझ गए। तो लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद ये तो सभी के पास होगा, वेरिफिकेशन के लिए मोस्ट जरूरी है आधार कार्ड, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आपका कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट, 5 में रेसिडेंशियल, यही तो इम्पोर्टेंट होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम, इनकम हो गया, इनकम हो गया, उसके बाद आपका पेमेंट कहाँ पर आएगा, बैंक पासबुक, बहुत ज़रूरी है, बैंक पासबुक होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपका है ना अपना जीमेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसके बाद फ़ोटो होना चाहिए, है ना, फ़ोटो होना चाहिए, मार्कशीट हो गया, लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट, रेसिडेंस, इनकम, बैंक पासबुक, जीमेल हो गया, फोटो हो गया, सॉरी PHONE फोन हो गया, फोन नंबर हो गया, फोटो हो गया, उसके बाद आपका कितना हो गया, जो दोनों हम जो लिख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आप नहीं जमा करते तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना, आपका पेमेंट नहीं आएगा, मेन प्रूफ आपका ये तो सबके पास रहता है ना, सब कर लेगा, लेकिन ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट यही है, और बहुत सारा बच्चा इसी को अपलोड नहीं करता, इसलिए पेमेंट वहाँ पर उसको फंसता है, पेमेंट नहीं आता है ना। तो ये आपको बता रहे हैं, 11 हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट,
बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एंड 12 में हो गया आपका फी स्ट्रक्चर। ये कहाँ से आएगा, बोनाफाइड कहाँ से आएगा, ये दोनों, ये सभी तो आप कॉमन है, आप सभी कर लेंगे, आप सभी के पास होगा, है ना। इम्पोर्टेंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड फी स्ट्रक्चर। आप जो कॉलेज में, जिस कॉलेज से जो भी कोर्स कर रहे हैं, है ना, जो भी कोर्स कर रहे हैं अभी, जो कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे वहाँ से ये दोनों आपको प्राप्त होगा, है ना। तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे, अप्लीकेशन लिखेंगे और बोलेंगे, है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक अप्लीकेशन लिखिए कि सर हमको अप्लाई करना है PMS ऑनलाइन के लिए, है ना, जो हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी स्ट्रक्चर बना के दीजिए। और इसी बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर पर जो कॉलेज अपना मोहर मारेगा, सिग्नेचर करेगा, एकदम वेरीफाई करेगा, अपना स्टम्प लगाएगा, है ना, उसको अपलोड करना है आपको फाइनली। तो दिक्कत यहाँ पर यह है, तो आप अपने कॉलेज से ये बनवा के बोनाफाइड एंड फी स्ट्रक्चर, देन उसके बाद ही अप्लाई करना है। इतना तो सारा कर लेंगे। उसके बाद रही मेन इम्पोर्टेंट आपका कास्ट, रेसिडेंशियल, इनकम, है ना। इनकम का डेट भी दिया है 1 अप्रैल से लेकर, 1 अप्रैल से लेकर आपको 22 है ना मार्च तक, है ना, मार्च 23 तक का डेट है। बट आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तीनों रिसेंटली, है ना, इनकम हो गया, कास्ट हो गया एंड रेसिडेंशियल का, तीनों अप्लाई करेंगे एक साथ रिसेंटली 23 अप्रैल के बाद। मतलब न्यू सत्र स्टार्ट हुआ है, तो ट्राई कीजिए न्यू बनवाने के लिए। एक साल उसे दिया हुआ है, बट वेरिफिकेशन, वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, ऑनलाइन है ना, बट चेकिंग आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होगा, तो जो चेक करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वेरीफाई करें या नहीं करें। तो इससे अच्छा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आप गलतियां ना करें, ये न्यू अप्लाई कर दीजिए, अभी ही कर दीजिए, तीनों को कर दीजिए। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, आप अपने ब्लॉग से तुरंत हैंड टू हैंड बना सकते हैं, या अप्लाई करने के बाद 10 दिन बाद आ जाता है। अभी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, है ना, बस इंतज़ार था कि स्टार्ट कब होगा, बस अब स्टार्ट हो गया तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है। जो बच्चा 2023 में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका एडमिशन यदि जितना जल्दी हो सके, यदि एडमिशन हो गया तुरंत फी स्ट्रक्चर वगैरह तो देगा ही कॉलेज, तुरंत लेना है और अप्लाई करना है, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अरेंज कर लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड फी स्ट्रक्चर के लिए एक अप्लीकेशन लिखना है अपने कॉलेज से रिलेटेड, और उसमें पूरा मेंशन कर दीजिए कि हमको PMS ऑनलाइन के लिए बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर है, वो अपना दे देगा, और ऑलरेडी कॉलेज नोटिस निकालता है इसके लिए, ठीक। और इम्पोर्टेंट हुआ कास्ट, इनकम और बैंक पासबुक अपना होना चाहिए, ध्यान रखिए, अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आधार नंबर जीमेल वगैरह ये सब पर्सनली अपना ही दीजिएगा, ठीक। चलिए अब रही बात कि अप्लाई कैसे करें, ठीक। तो ये तो बस कॉमन सा बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई कर सकता है। ऑलरेडी आप इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं या आ रहे हैं, है ना, तो ये सब सीखना चाहिए। नहीं आ रहा है तो सीखिए, या फिर भी कोई दिक्कत है तो जाके कहीं सेवर वगैरह से करवाइए, लेकिन अच्छा से कीजिएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना है आपको, क्या रजिस्ट्रेशन उनको करना है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसका अप्लाई कर रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, या ऑलरेडी पहले कोई इसका लाभ ले चुके हैं, पेमेंट ले चुके हैं, तो उसका एक लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड का लॉगिन करके पासवर्ड वगैरह डाल के अपना प्रोसेस आगे करेंगे। लेकिन जो बच्चा न्यू है, अभी तक कुछ किया ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स दीजिएगा, है ना। पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स देने के बाद आप अपना फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रोसेस एक एक करके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। एकदम सिंपल सा है, लेकिन बारीकी से एप्लीकेशन नंबर जो है, सॉरी, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर हो गया जाति आवासीय आय का, उसके बाद 10th का मार्कशीट का, सबका सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करेगा, फोटो एंड सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, फोटो वगैरह ये सब अपलोड करेगा। उसके बाद जाति आवासीय जितना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद लास्ट में एक फाइनलाइज करने का ऑप्शन आएगा, फाइनलाइज कर दीजिएगा कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करके तब तक रखिए, देन आपका फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड बन जाएगा, देन उसके बाद प्रोसेस कर दीजिएगा। करने के बाद यदि आपका है ना मैक्सिमम तो बोलबे कि है 15,000 तक पेमेंट आता है, बहुत सारा बच्चा फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत करता है, तो उसको कम भी आता है, 4,000, है ना, 10,000, इस तरीका से।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी का 15 है तो हमको 10,000 है, नहीं कम भी, सबका अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग होता है, तो डिपेंड करता है कि जो चेक करता है ना, तो वो किस टाइप का है, सबका अलग अलग थिंकिंग होगा, जो अलग तरीका से अपना डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस करेगा। ठीक, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो रजिस्टर है ऑलरेडी, जो रजिस्टर है जो स्टूडेंट, तो लॉगिन करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर, या न्यू जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। बस इतना ही, लेकिन बार बार बोल रहे हैं इसको सीरियसली लीजिएगा, एकदम करना ही, अप्लाई कर ही देना है। जो बच्चा OBC से है ना, जो जिसका कैटेगरी BC होगा या EBC होगा, है ना, जिसको बोलते हैं BC 1 एंड BC 2 बोलते हैं ना, बिहार में 2 कैटेगरी होता है OBC में, OBC में ये आपको नेशनल लेवल के लिए हो गया, यदि बिहार में आप कुछ कर रहे हैं तो आपको 2 ऑप्शन आएगा BC EBC, जिसको आप BC 1 BC 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये सभी बच्चा अप्लाई करेंगे, जो भी कॉलेज में कोई भी कोर्स कर रहे हैं वो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कोई भी कन्फ्यूजन दिक्कत इससे रिलेटेड है तो नंबर का भी फैसिलिटी दिया गया है, आप बेशक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सभी से जुड़ जाइए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।